यहाँ एक कंपनी का डेटा दिया गया है जो है हमारा जीएस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें क्या है एम्प्लॉय आईडी नेम और उसका मुझे सिटी दिया गया है, और यहाँ पर मुझे आइटम 1, 2, 3 दिए गए हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आइटम 1 में कुछ सेल्स ब्लैंक हैं, सेम आइटम 2 में कुछ सेल्स ब्लैंक हैं, और सेम इसी तरीके से आइटम 3 के अंदर भी कुछ सेल्स मुझे ब्लैंक दिए गए। अब मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि ये जो सारी जितने अलग अलग कॉलम्स में जो आइटम्स हैं वो एक ही पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वो सारे के सारे आइटम्स वो ऐड हो जाएं। अब ये डेटा काफ़ी छोटा है तो इसको तो हम कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं, पर अगर डेटा लेंथी हो तो उसको किस तरीके से करा जाएगा, तो उसके लिए कोई ऐसी ट्रिक तो आज हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो सेल्स जहाँ ब्लैंक सेल्स दिए गए उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद F5 करेंगे, F5 के बाद स्पेशल पर जाकर यहाँ पर ब्लैंक को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ देखेंगे आपने कि जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो आपके सारे के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब सबसे मेन काम है आपका इन सारे के सारे डेटा को यहाँ से यानी सेल्स को डिलीट करना। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, कंट्रोल माइनस करना है। कंट्रोल माइनस करने के बाद आप क्या करेंगे, सेल शिफ्ट, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जैसे ही देखेंगे आप कि सारे का सारे जो आइटम 2 या आइटम 3 का जो डेटा था वो आइटम 1 में शिफ्ट हो गया है, और आइटम 2 और 3 बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए हैं जैसा डेटा हमारे पास को चाहिए था। तो ये वीडियो कैसा लगा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।